सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी की बात चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेटिव और एक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। आप इस वीडियो में अरिहंत अबोड के 2 BHK फ्लैट का वीडियो लेआउट देखने वाले हैं, जिसका सुपर एरिया है 920 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, किचन, लिविंग एरिया, 4 बालकनीज बनी हुई है। इसमें कारपेट एरिया आपको 540 स्क्वायर फीट मिलता है और बालकनीज में 126 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। वहीं वॉल में आपको 57 स्क्वायर फीट का एरिया, कॉमन एरिया में 197 स्क्वायर फीट का एरिया यूज हो जाता है। ये 920 स्क्वायर फीट का लेआउट है। अब हम बात करेंगे इनके साइट लेआउट की, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो हाईलाइटेड यूनिट्स हैं ये सारी 920 स्क्वायर फीट की यूनिट्स हैं। इसमें 920 स्क्वायर फीट के जो यूनिट्स हैं इसमें कुछ आपकी पार्क फेसिंग भी है, कुछ रोड फेसिंग भी है और कुछ इसमें कॉर्नर की भी यूनिट्स हैं। आइए अब इस फ्लैट का वीडियो टूर कर लेते हैं। तो एंट्री के साथ ही इसमें ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया है और इसकी साइज है 15x10.6 स्क्वायर फीट और ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया से जो बालकनी अटैच्ड होती है वो 5 फीट वाइड बालकनी है। साइज है वो 8x7 स्क्वायर फीट है और किचन के साथ जो बालकनी अटैच्ड हो रही है वो 5 फीट वाइड बालकनी है और काफ़ी लंबी बालकनी है। तो एक तरह से उसमें आप सीटिंग स्पेस भी आपके लिए बनता है, आप वहाँ पे 2 चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। कॉमन टॉयलेट है और इसकी साइज है 5x7 स्क्वायर फीट। ये इस लेआउट का फर्स्ट बेडरूम है, इसका साइज है 10x10 स्क्वायर फीट और इसके साथ डेडिकेटेड कबर्ड एरिया है और इस बेडरूम के साथ जो बालकनी अटैच्ड हो रही है वो 4 फीट वाइड बालकनी है। इस फ्लैट लेआउट का मास्टर बेडरूम, इसका साइज है 10x10.6 स्क्वायर फीट और इसमें आपका डेडिकेटेड कवर्ड एरिया है और इस बेडरूम के साथ जो बालकनी अटैच्ड हो रही है वो 5 फीट वाइड बालकनी है और जो टॉयलेट इसके साथ अटैच्ड हो रहा है उसका साइज है 5x7.6 स्क्वायर फीट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रोजेक्ट की जानकारी जैसे बिल्डर प्रोफाइल, प्रोजेक्ट डिटेल्स, सोसाइटी की एक्चुअल वीडियो, आसपास की सुविधाएं और लोकेशन आदि की वीडियो देखने के लिए सामने बने बॉक्स नंबर 1 पर क्लिक करें। अन्य प्रोजेक्ट्स में इसी साइज के फ्लैट्स की वीडियो देखने के लिए बॉक्स नंबर 2 पर क्लिक करें।